भाई ने माशाल्लाह बड़े ही मुसलसल बड़े ही शोलाभियान दाद में उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इनके तशकात में इजाफा करवाया अल्लाह आमीन और मैंने भी अपने नाका से जहन और इलम के मुताबिक एक मुख्तसर कलाम लिखा है जो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें सुनो माशाल्लाह इसमें आपकी भरपूर बस तवज्जो चाहिए। आज के दौर में जैसा कि हर किसी की जुबान पे यही एक बात आम है कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, हर तरफ जंग वजन है, जुर्म सितम हो रहा है। हम लोग आदिल को अदल को पसंद करते हैं लेकिन आदिल को पसंद नहीं करते, मतलब इस तरह की हमारी जो है वो सोच बन चुकी है या कहने की हम लोग बातें भी करते हैं लेकिन एक वो जो प्लान ऑफ एक्शन है बिजनेस है उस हवाले से मैं मतलब ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा लेकिन सिर्फ आपकी भरपूर तवज्जो हो जाए तो बाबा आज ग्रंथ सलवात दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो आंधी जुल्म और सितम की हर सू तो क्या करे, एक सवाल है जो हम सब लोगों के जहन में आते हैं। वो आंधी जुल्म और सितम की हर सू तो क्या करेंगे, है दर्द सर बढ़ाता से रुख कर बढ़ाता है। वो आंधी जुल्म और सितम की हर सू तो क्या करे, है दर्द कर बढ़ाता से रुख कर बढ़ाता है। यही हमें कर्बला ने पैगाम दिया है कि कर्बला की तरफ जाए, कर्बला की तरफ तवज्जो दें, कर्बला से जो हमें मैसेज मिला उसकी तरफ तवज्जो दें तो हम खुद सीख जाएंगे कि हमें जुल्म और सितम का मुकाबला कैसे करना है। आगे चलते हैं। वो जो मकसद अजीम था, वो जो मकसद अजीम था क्या मे हुसैन का, वो जो मकसद अजीम था क्या मे हुसैन का, आइए उस मिशन से अहदे वफा करें। हम लोग मजलिस में आते हैं बहुत अच्छी बात है, अटेंड करते हैं माशाल्लाह, साल के बाद मुहर्रम आता है, शिरकत भी करते हैं, भरपूर कोशिश होती है कि आराम से जॉब से जो भी मसरूफ होता है छुट्टी लें और हर सूरत में हम इजलास अटेंड करें। लेकिन हम लोग अगर एक ट्रेडिशन समझ के, एक कल्चरल चीज़ समझ के आए या एक समझ लें कि रवायत समझ के आए तो मजलिस और रजादारी ये नहीं है, ये वो मिशन है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है जिसको आगे बढ़ाया है जनाब बिनत अली जनाब ज़ैन बिन सलाम ज़हरा ने। वो जाए जिंदा फिर से वो तहरीके ज़ैनबी, वो जाए जिंदा फिर से वो तहरीके ज़ैनबी चित्तागात 11 मुहर्रम को हुआ जो मैशूर के बाद हुआ, जिसकी बुनियाद जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जाए जिंदा फिर से वो तहरीके ज़ैनबी बरपा हुसैन वालों हम ऐसी अदा करें। इब्ने अली के खून में सबको दिया पैगाम, हमें क्या मैसेज मिला वहां से, इब्ने अली के खून ने सबको दिया पैगाम, मैं यजीदियत के सामने कभी सर झुका करें। यही वो मैसेज है वहां से कि वो सिर्फ कर्बला की बात नहीं थी कि जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया और यजीदियत के सामने खड़े हुए और हक और बातिल का फर्क मिटाया, ये आज के दौर में भी जो यजीदियत का दौर दौरा है उसमें आज के दौर के लिए भी ये मैसेज है कि हमें यजीदियत के सामने हुसैनी बन के खड़े होना है। मारिफत का नूर और बेलौज को इबादतें, बेशुमार रवायात इस हवाले से या आप उलमा से सुनते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में, आप अलैहिस्सलाम जो आबिद थे इबादत गुजार थे आप उनकी भी जीनत आपको बना दें कि मारिफत का नूर और
بے لوس وہ عبادتیں کاش ہم بھی ایسے ہی سجدے ادا کریں. ہم سب کے سب حسینی, ہم سب ہے کربلائی. دس میسج گوز ٹو ایوری ون. یہ ہم لوگ آج یا حسین شہید علیہ السلام کے نام کی سرپرستی کے زبان کے بیٹھے ہیں. اس چیز کا ہم لوگ شو کریں کہ ہم لوگ حسینی ہیں, ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کا گھر بنانے کے لیے ہیں. ہم سب کے سب حسینی, ہم سب ہیں کربلائی. کہاں سازش طاقت ہم کو جدا کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں خاتے پاک تو کچھ نہیں, میں خاتے پاک تو کچھ نہیں, پر مولا کا وہ بیان سنیے کہ کیا ہے کہہ رہا, سنیے کہ کیا ہے کہہ رہا ہے. کون مت دیکھا کرے. آخری دو شعر ہیں, آپ کی تھوڑی سی زحمت چاہیے, ان کی توجہ چاہیے. ندا آ رہی ہے آج بھی استغاثہ حسین کی. امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور کو میدان کربلا کے چٹیل میدان میں صحرا میں جو آواز بلند کی, حل میں نہ تو یم سونا تھی. اس آواز کا مطلب کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے کسی کی مدد مانگ رہے تھے؟ جب جان بچانے مقصود ہوتی تو میدان کربلا کی طرف قدم نہ اٹھاتے. ندا آ رہی ہے آج بھی استغاثہ حسین کی, لبیک یا حسین کی بلند صدا کرے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آپ سب نے دیکھیں یہ چیز آج ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے, یہ ہے حقیقت میں جذبہ حسین کہ ہم سروں پہ امام حسین علیہ السلام کے نام کی پتیاں باندھ کے بیٹھے, لیکن ہمارے گلے سے امام حسین علیہ السلام کو میں بیٹھ کے نکلی کے بعد میں نہیں کبھی. جس جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے محبت ہے, ان کا چاہنے والا ہے اور ان کی فرش ادا سے بیٹھا ہے, لیکن اسے درخواست ہے کہ میرے نعرے کا کوئی پوری آواز دے رہا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. آخری شعر شیان حیدر ہونے کا حد یوں کرے ادا, شیان حیدر ہونے کا حد یوں کرے ادا, محشر کو ہم سے باقی یہ کوثر گلا کر.